एनसी की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स using the digits 3, 5, 6, 7, 8 and 8 without repetition. Is options हैं, टू वन सिक्स, वन नाइन टू, वन टू जीरो एंड सेवेंटी टू तो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 6, 7 और 8 विदाउट रिपीटेशन। तो सॉल्यूशन इसका, जो भी नंबर 6 से स्टार्ट होगा और फोर डिजिट नंबर होगा और जो 6 से स्टार्ट होगा वो सब इससे बड़ा रहेगा। कोई भी नंबर जो कि 6 से स्टार्ट होगा, तो 1, 2, 3 और फोर डिजिट नंबर बनाना है, तो 6 को तो हमने कर दिया फिक्स, 6 को कर दिया फिक्स, यानी बाकी बचे 3, 4, 3, 5, 7 और 8। तो इन चार में से इनको हमें फिल करना है। तो 6 से स्टार्ट होगा तो ये आ गया 4P3। इसी तरह से कोई भी नंबर 7 से स्टार्ट होगा तो वो भी 4P3 आएगा, और जो 8 से स्टार्ट होगा वो भी 4P3 आ जाएगा। अब कोई भी ये सारे के सारे नंबर जो कि 6 से स्टार्ट होंगे, 7 से स्टार्ट होंगे, 8 से स्टार्ट होंगे, सभी के सभी 6000 से बड़े होंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन इतना दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, ये 5 नंबर है, तो अब इससे बड़े तो 5 डिजिट नंबर्स भी होंगे ना। तो अब 5 डिजिट नंबर्स, ये तो हो गया 4 डिजिट नंबर्स का केस। अब 5 डिजिट नंबर्स क्या होंगे, कितने बन जाएंगे? टोटल 5 हैं, 5P5 बोल दें या 5 फैक्टोरियल बोल दें, तो ये टोटल कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये कितने हो गए? 3 टाइम्स 4P3 +120, तो ये आ गया 3 × 24 +120, तो ये हो गया 72, और 120 मीन्स 192 2015 का क्वेश्चन था। ओके, तो पहले हमने क्या किया, फोर डिजिट नंबर जो 6 से स्टार्ट होंगे, 7 से स्टार्ट होंगे, 8 से स्टार्ट होंगे, ऑल विल बी ग्रेटर देन 6000, और जितने 5 डिजिट होंगे तो ऑब्वियसली वो बड़े होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स ये 8th अप्रैल क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स फोर डिजिट नंबर्स
फोर डिजिट नंबर्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, and 5 और ये गिवन है कि रिपीटेशन अलाउड है, इज ऑप्शंस है थ्री जीरो सिक्स थ्री वन जीरो फिर 360 एंड देन 288 तो सॉल्यूशन इसका जो नंबर कह रहा था नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर हमको फोर ही डिजिट नंबर बनाने हैं और जो कि 4321 से ज़्यादा हो 4321 से ज़्यादा हो तो अब वो नंबर जो कि 43 से स्टार्ट हो 43 से स्टार्ट होंगे तो हमारे पास इस जगह पर हम 2 नहीं रख सकते हैं हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं 4 रख सकते हैं 5 रख सकते हैं इससे बड़े ही होने हैं तो 3, 4, 5 में से कुछ भी रखेंगे यानी कि 3 वेज अब जब 4, 3, 3 आ गया है रिपीटेशन अलाउड है तो इस प्लेस को हम लोग इन 6 डिजिट में से कुछ भी रखें इनटू 6 ये आ गया ये हमने रख लिया अब जो नंबर 4, 3, 2 से स्टार्ट हो 4, 3, 2 से स्टार्ट हो तो इस प्लेस पर 1 नहीं रख सकते हैं और 0 नहीं रख सकते हैं यानी इस प्लेस को हम लोग 1 नहीं रख सकते हैं और 1 और 0 नहीं रख सकते हैं यहाँ पर हम 2 रख लें 3 रख लें 4 रख लें 5 रख लें तो 4 नंबर ये होगा अब इसके बाद जो नंबर 4 से स्टार्ट हो 4 से स्टार्ट हो कोई भी नंबर जो 4 से स्टार्ट होगा वो भी इससे बड़ा होगा 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर अब यहाँ पर इस जगह पर अब जब वो तो 4 से ही स्टार्ट है द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर जो 4 से स्टार्ट है तो इस जगह पर हम यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ तक कुछ भी रख लें इसमें भी हम लोग कुछ भी रख लें तो 6 × 6 हो गया फिर इसके बाद जो नंबर 4, 5 से स्टार्ट हो वो भी नंबर बड़ा होगा 4, 4 से मतलब क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4, 3, 2, 1 तो कोई भी नंबर जो कि 4, 4 से स्टार्ट होगा वो भी बड़ा होगा 4, 4 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर हम 0, 0 रख लें तब भी बड़ा होगा कुछ भी रख लें 4, 5 से जो स्टार्ट होगा वो भी 4, 5 से जो स्टार्ट होगा तो इसको भी हम यहाँ पर 0 इस से लेकर 5 तक कुछ भी पुट करें और इस पर भी कुछ भी पुट करें तो ये आ गया 6 × 6 इसके बाद अब जो भी नंबर 5 से स्टार्ट होगा जो भी नंबर 5 से स्टार्ट होगा वो 5 से स्टार्ट हो रहा है 4 डिजिट नंबर बनना है तो वो तो ऑब्वियसली वो तो बड़ा होना ही होना है तो ये हो गया 6, 6 और 6 × 6 तो 4, 3 से स्टार्ट होने वाले ये आ गए 18 ये हो गया 4 और ये 36 फिर 36 और फिर 216 तो इसको काउंट कर लेते हैं ये कितने हुए 4, 7, 13, 13 और 1 ये कितना हुआ 8 और 4, 12 और ये हो गया 30, 30 means 4, 1 और ये 3 यानी कि टोटल आंसर 310 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार और रिपीट कर देते हैं कि कह रहा है कि 4, 3 के बाद 2, 1 है 4, 3 के बाद 2, 1 है और इससे बड़े नंबर हमको निकालना है इससे बड़े नंबर ओके तो 4, 3 के बाद यहाँ पर और यहाँ पर अगर इस जगह को हम फिल करते हैं 3 से 4 से 5 से तो इस प्लेस को हम भर सकते हैं 3 तरीके से
अब जब 433 आ ही गया है, अब जब ये 433 आ गया है, तो अब इस जगह पर हम 0 से लेके 5 तक कुछ भी पुट करें, तो इसके लिए 6 बेस, तो 3 × 6। अब हमने स्टार्ट किया 432 से, 432 से यहाँ पर बस अब हम 0 और 1 नहीं रख सकते हैं, ये 0 और 1 नहीं रख सकते हैं, हम 2, 3, 4, 5 में कुछ भी रख लें, तो यहाँ पर हमको 4 बेस होगा। 4, 4 से स्टार्ट होगा, तो अब यहाँ पर आप कुछ भी पुट करिए, 0 से लेके 5 तक कुछ भी पुट करिए, 6 बेस ये, 6 बेस ये, 36। सेम यही चीज़ इसके लिए, 5 से अगर नंबर स्टार्ट होगा तब तो वो बड़ा होगा ही होगा, 6, 6, 6, 2, 1, 6। तो इसका सम कर लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है 2013 का है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है 2013, कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर छुपा होगा। लेट टी एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन इफ टी एन प्लस वन माइनस टी एन इज इक्वल टू 10 देन एन इज इक्वल टू, तो एन निकालना है क्या होगा। ऑप्शन है 7, 5, 10 एंड 8 7, 5, 10 एंड D 8। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, टी एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो क्वेश्चन को करा जाए, क्वेश्चन को करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। टी एन प्लस वन, टी एन का मतलब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स फाउंड बाय ज्वाइनिंग एन साइडेड। अब ये एन साइड अगर टी एन प्लस वन का अगर मतलब है, तो इसका मतलब एन प्लस वन साइड होंगे, एन प्लस वन पॉइंट्स हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये आया एन प्लस वन सी थ्री माइनस एन सी थ्री इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन तो हमने देख लिया क्या है। अब जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स इसको ओपन कर देंगे, ओपन कर देंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन होगा क्या कि फिर हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिल सकती है, क्यूबिक इक्वेशन मिल सकती है। हमको एक फॉर्मूला याद है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर होता था, बायनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसको हमने लिखा एन सी थ्री, एन सी थ्री प्लस एन सी टू, ये एन प्लस वन सी थ्री रहेगा, माइनस एन सी थ्री इज इक्वल टू 10। ये एन सी थ्री, ये एन सी थ्री कैंसिल हो गया, एन सी टू इज इक्वल टू 10। तो ये तो हमको पता ही है कि 5C2 ही होता है 10, कुछ और तो नहीं होगा, तो 10 इसका आंसर, सॉरी n की वैल्यू 5, हमको n को निकालना था, तो n की वैल्यू 5 आ गई, n इज इक्वल टू 5 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन यहां पर आप भटक सकते थे, यहां पर आप भटक सकते थे कि n प्लस वन, n n फिर n माइनस वन अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कब करके आप एक बड़ी सी इक्वेशन बना सकते थे। तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है और कब का आया हुआ है, अभी ये काफी पुराना क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाना, ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाना। In which the two ends, though n, don't come together, is, देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 40, 60, 80, 40, 60, 80, and then 100. तो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना इन विच कोई भी दो एन एक साथ ना आए। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, फाइव बॉयज एंड सिक्स गर्ल्स, सिक्स बॉयज एंड फाइव गर्ल्स वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी ए ए ए ये हमने लिख लिया। अब एन को हम इन जगहों पर प्लेस करें, कितने हैं ये प्लेस, फाइव प्लेस हैं, फाइव जगहों पर हमने दो एन को अरेंज किया, लेकिन क्योंकि दोनों एन एक जैसे हैं इसलिए डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल कर दिया, इन टू अरेंज तो भाई सब कुछ होगा ना, ये चारों भी तो अरेंज होंगे, ये चारों कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, जैसे कि इलाहाबाद को अरेंज किया था, फोर फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4, तो ये हो गया 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 4 मीन्स 40, ये आंसर 40 आ गया। तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें दोबारा समझने की, n को हमने इन जगहों पर रख दिया, दो एन थे तो 5p2, लेकिन दोनों एन एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, फिर इसको अरेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये 12th April का है भाई, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फाइव बॉयज एंड एन गर्ल्स, बॉयज एंड एन गर्ल्स and girls, if the number of ways in which a team of 3 students which a team of 3 students can randomly be selected, 3 students can randomly be selected such that there is at least one boy and at least one girl, in each team is 1750, then n kya hoga, options hain 24, 25, 27 and 28.
27 and 28. क्वेश्चन एक बार फिर से देख लिया जाए, इफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 5 बॉयज एंड एन गर्ल्स, तो बॉयज हैं 5, गर्ल्स हैं एन. इफ द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन रैंडमली बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुप सच दैट देयर इज एटलीस्ट वन बॉय एंड एटलीस्ट वन गर्ल इन ईच टीम इज 1750, तो फिर एन निकालना है. ओके, तो 5C1 and C2 एक, या फिर 5C2 and C1, मतलब एक बॉय तो दो गर्ल, दो बॉय तो एक गर्ल, तीन बॉय या तीन गर्ल नहीं हो सकते हैं, इज इक्वल टू 1750. तो ये आ गया 5 into n n-1/2 प्लस ये हो गया 10 into n इज इक्वल टू 1750. 5 कैंसिल एन एन माइनस वन अपॉन टू, 5 कैंसिल तो ये आ गया 2n, 5 से कैंसिल करेंगे तो आ गया 350. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n इज इक्वल टू 700. तो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 700 इज इक्वल टू 0. 700 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन है ऑप्शन 700. 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, और 100 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 700 आता है. इसका मतलब 25 और 28 ये इसके फैक्टर हो गए. इसके n स्क्वायर प्लस 28n माइनस 25n माइनस 700 इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई किया तो n प्लस 28 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, 25. तो 12th April 2019 25 आंसर. बहुत इजी सा क्वेश्चन था. जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में भी आ जाते हैं, 12th बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल, ये है कब का, 2016 का है. इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल, ऑफ वर्ड स्मॉल स्मॉल अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी इन अ डिक्शनरी देन पोजिशन ऑफ इट देन पोजिशन ऑफ इट इज ऑप्शंस है. Forty-sixth, 59th, 52nd, or 58th. क्या पोजिशन होगी ये निकालनी है स्मॉल के बारे में, यानी कुल मिलाकर रैंक निकालनी है, रैंक के बारे में पूछ रहा है. तो इसका शॉर्टकट जो हम लोगों ने पढ़ा था SMALL, सबसे पहले हम इसको अल्फाबेटिकली नंबरिंग कर दें इसकी, A B C D E F G H I J K L L, फिर ये थर्ड हो गया और ये फोर हो गया. फोर से कम चारों हैं, चार हो गए. तीन से कम ये तीनों हैं. वन से कम कोई नहीं, टू से कम कोई नहीं, और फिर ये भी जीरो. अब इसके बाद S से पहले जो रिपीट हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, टू फैक्टोरियल. M से पहले M के इधर राइट में टू फैक्टोरियल, A के राइट में 2 फैक्टोरियल, और L के राइट में L मिलाकर 2 फैक्टोरियल और इधर 1 फैक्टोरियल.
जीरो फैक्टोरियल, फिर वन फैक्टोरियल, फिर टू फैक्टोरियल, फिर थ्री फैक्टोरियल और फिर फोर फैक्टोरियल, ये आ गया। इन सबको अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो ये कितना हो गया, फोर इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन टू, थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू, ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये आ गया 24 इंटू फोर 96 अपॉन टू 48, फिर 6 इंटू थ्री 18 और 18 बाई टू 9, तो ये आ गया 57, और खुद अपना ये वर्ल्ड स्मॉल यानी कि 58। तो शॉर्टकट बहुत सही चीज़ है, इससे क्वेश्चन काफ़ी जल्दी निकल आता है। फिर से एक बार हम, जिसने वो लेक्चर नहीं किया था, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। पहले हमने इसको अल्फाबेटिकली लिख लिया, वन मतलब ए बी सी डी करके, फिर इसका सेकंड नंबर आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा। फोर से कम कितने लोग हैं, वन टू थ्री फोर, तो फोर लिख लिया। थ्री से कम राइट में कितने लोग हैं, वन टू थ्री, थ्री लिख लिया। वन से कम कोई नहीं है, टू से कम कोई नहीं है, और इधर तो यहाँ तो हमेशा जीरो ही रहता है। अब इसके बाद एस, इसके राइट में कोई रिपीट अगर हो रहा है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो दो वर्ड, दो ये अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल। इसके भी राइट में दो अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, टू फैक्टोरियल। इसके भी राइट में दो लोग रिपीट हो रहे हैं। एल के राइट में इंक्लूडिंग एल, एल के राइट में इंक्लूडिंग एल रिपीट हो गया, टू फैक्टोरियल, और इसके तो राइट में तो कुछ नहीं होगा। फिर ऑर्डर वाइज 0, 1, 2, 3, 4 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, जो भी आया प्लस वन इज द रैंक, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन है ये 2019 का है, और कब का, 9th January। कंसीडर ए क्लास ऑफ फाइव गर्ल्स एंड सेवन बॉयज The number of different teams the number of different teams consisting of two girls and three boys and three boys two girls and three boys तो ये तो यहाँ पे 5C2 into 7C3 ये तो हमने लिख लिया, two girls हैं तो out of this and 7C3 आगे देखेंगे। That can be formed, two girls and three boys, that can be formed from this class. Consider class of five girls, the number of different teams consisting of two girls and three boys that can be formed from this class if there are two specific two specific boys A and B who refuse to be the member of the members of the same team same team
इज ऑप्शंस 350, 500 और फिर 200 और 300। तो क्या करना है इसमें, क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कंसीडर ए क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज दैट कैन बी फॉर्म्ड। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी, अच्छा खासा क्वेश्चन चल रहा था, यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि दो बॉयज ऐसे हैं जो कि सेम टीम में नहीं आना चाहते हैं, सेम टीम में नहीं आना चाहते हैं। तो अब अगर हम ऐसा करेंगे कि एक को हम एक टीम में रखें, दूसरे को दूसरी टीम में रखें, फिर ऐसे रखें, तो पता नहीं इसमें कितना केसेस हम बना लेंगे, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हम एक काम करते हैं, टोटल में से इनको सेम में भेज दो, टोटल केसेस में से इन दोनों को सेम टीम में भेज देते हैं, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा, हमेशा ये लोग अलग अलग रहेंगे। इन दोनों को हमने सेम टीम में भेज दिया, मतलब 7 बॉयज थे, हमने उन दो को सेलेक्ट कर लिया, तो ये टोटल में से अब बचे 5 में से अब केवल एक ही बॉय को सेलेक्ट करना है, दो ऑलरेडी को हमने बैठा दिया, सेम टीम में बैठा दिया। 5 गर्ल्स हैं, वहां से दो गर्ल्स तो लेनी लेनी है, 5C2। हमने क्या किया, टोटल में से दोनों बॉयज को एक ही टीम में बैठा दिया, एक ही टीम में बैठा दिया। अब ये क्या हो गया, 5C2, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, माइनस ये तो हुआ 5 और ये होता है 10, तो ये हो गया 10 × 7 × 6 × 5 और 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो गया, माइनस 5 0, ये 6 और ये 6 कैंसिल, 7 × 5 होता है 35, को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आ जाएगा, में से 50 सबट्रैक्ट करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो कभी कभी थोड़ा सा उल्टा भी, थोड़ा सा रिवर्स भी सोचना चाहिए, मतलब यहाँ पे कह रहा था कि ये दो बॉयज़ एक टीम में नहीं जाएंगे। अब हम अगर यही केस बनाते रहेंगे कि एक को हम एक टीम में भेजें, दूसरे को दूसरे में भेजें, फिर इसको हम इस एक में ना भेजें, दूसरे में ना भेजें, तो इसमें बहुत केसेस बन सकते थे, हो सकता है रिजल्ट भी हमारा गलत हो जाता। उससे बढ़िया है कि टोटल में से दोनों को एक टीम में भेज दें, टोटल में से दोनों को एक टीम में भेजने वाला सबट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा, अलग अलग टीम में रहेंगे ये लोग। फिर अब और आगे पढ़ते हैं, फिर आगे क्या कहता है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स नंबर्स लेस देन सेवन थाउजेंड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 3, 7, 9 रिपीटेशन अलाउड है इज ऑप्शंस हैं 374 375 372 और 250। फिर तो पहले कह रहा है द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000, नेचुरल नंबर कह रहा है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन है, अब आते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले वन डिजिट नंबर कितने होंगे, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर तो 135 137 और 9 यानी कि 4 हो जाएंगे। टू डिजिट नंबर्स की बात करें अगर, तो
दो प्लेसेस हैं ये, इस प्लेस को हम भर सकते हैं फाइव तरह से और इस प्लेस को हम भर सकते हैं फोर तरीके से। क्यों? क्योंकि जीरो हम नहीं रख सकते हैं, जीरो रखेंगे तो ये वन डिजिट नंबर हो जाएगा ना। अब थ्री डिजिट नंबर में 1, 2, 3 इसको हम लोग फाइव तरह से भर सकते हैं, इसको भी फाइव तरह से भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम कहानी, जीरो नहीं रख सकते हैं, बाकी 1, 3, 7, 9 में से कुछ भी रखें, फोर आ गया। अब फोर डिजिट की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 इस जगह को हम फाइव तरीके से भर सकते हैं, इसको भी फाइव तरीके से भर सकते हैं, इसको भी फाइव तरीके से भर सकते हैं, लेकिन इस वाले को हम या तो वन रखेंगे या थ्री रखेंगे बस, 7 और 9 नहीं रख सकते हैं, 7 और 9 नहीं रख सकते हैं। तो यानी कि इस प्लेस के लिए केवल दो ही बचे। तो अब जरा देख लिया जाए, 4 ये आ गया 20, ये 100 और ये हो गया 125 और 2, 250 कितना सम आ रहा है इसका, ये 120 और 4 मीन्स 374। तो PNC भी छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है, PNC को बहुत ध्यान से करना है, जरा सी थ्योरी आप करेंगे उसमें से फोन नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन और इसको लास्ट कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बढ़िया प्रोबेबिलिटी। क्या कह रहा है क्वेश्चन और कब का है ये भी देखेंगे। क्वेश्चन है अ टीम ऑफ 11 मेंबर्स 9th अप्रैल 2019 क्वेश्चन है अ टीम ऑफ 11 मेंबर्स is to be formed from eight men and five women। अब क्या कह रहा है, if small m is the number of ways the team is formed, the number of ways the team is formed, the number of ways the team is formed with at least 6 men. And n is the number of ways the team formed with at least 3 women then options m is equal to n is equal to 68 m plus n is equal to 68 or m is equal to n is equal to 78 and m minus n is equal to 8। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, फिर आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अ टीम ऑफ 11 मेंबर्स करेक्ट है, इज टू बी फाउंड फ्रॉम
एट मैन एंड एट मैन एंड फाइव वुमेन, ये भी ठीक है. इफ स्मॉल एम इज द नंबर ऑफ वेज, ओके, द टीम इज टू फॉर्म विद एटलीस्ट सिक्स मैन, विद एटलीस्ट सिक्स मैन, एंड स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ वेज विद एटलीस्ट थ्री वुमेन. ये 11 लोगों को बनाना है, तो चेक करते हैं ये क्या मामला है इसका. तो M, M कह रहा है, M क्या है, M है कम से कम सिक्स मैन हो और 11 लोगों का बनाना है. मैन है कितने, एट, तो एट सी सिक्स, एट सी सिक्स, तो वुमेन में फाइव सी फाइव हो जाएगा. कम से कम सिक्स मैन हो, मैक्सिमम जितने भी हो जाए. फिर ये एट सी सेवन, अगर ये सेवन होंगे तो वुमेन को फोर होना पड़ेगा, या फिर एट सी एट, सारे मैन रख लें, एट सी एट, तो उस केस में फाइव सी थ्री हो जाएगा. ये हो गया एम. एन को भी लिख देख लेते हैं. एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ वेज विद एटलीस्ट थ्री वुमेन. वुमेन है कितनी, फाइव, तो फाइव सी थ्री इंटू उस केस में एट मैन आएंगे. फाइव सी फोर करेंगे तो मैन आ जाएंगे सेवन. फिर फाइव सी फाइव कर दें तो मैन आ जाएंगे सिक्स. टोटल सम मिलाकर तो इलेवन लाना है. ओके, इसको सिंप्लीफाई किया जाए. एट सी सिक्स, एट सी सिक्स मीन्स ट्वेंटी एट. एट सी सिक्स का मतलब एट इंटू सेवन अपॉन टू. फाइव सी फाइव तो वन होता है. एट सी सेवन का मतलब एट और प्लस फाइव, एट इंटू फाइव ये आ गया, प्लस ये फाइव सी फोर, एन सी एन माइनस वन एन होता है, एन सी एन माइनस वन ये भी एन होता है, तो ये एट हो गया, फाइव हो गया, मिला के फोर्टी हो जाएगा. ये एट सी एट तो वन हो गया, फाइव सी थ्री टेन होता है, तो आया कितना, ये 28 और 40 मिला के 68, और ये आ गया 78. तो 78 वाला तो केवल एक ही ऑप्शन है. फिर इसको देख लेते हैं, एम सी थ्री, एम सी थ्री की वैल्यू हो गई 10, एट सी एट वन हो जाएगा. फाइव सी फोर हो गया 5 इंटू एट, फाइव इंटू एट, फाइव सी फाइव वन हो गया, एट सी सिक्स वही होगा ये, यानी कि 4 28. तो ये 28 प्लस ये 68 और 10 78. खत्म हो गया क्वेश्चन. M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 78. ये सी ऑप्शन अभी 9 अप्रैल के क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन. तो जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि हाँ ये हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये हमारे अप्रोच में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब विद इन अप्रोच है. जस्ट ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में भी ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं. आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी.